आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम ऑप्शन में वर्क करते हैं विदाउट एनी हेजिंग, हेजिंग के साथ अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्क करा जाए तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, सबसे सेफर ऑप्शन होता है एफ एंड ओ में पैसा कमाने का। लेकिन अगर हम फिर भी ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं बिना किसी हेजिंग के, चाहे हम कॉल में काम करें चाहे हम पुट में काम करें, लेकिन कोई हेजिंग नहीं, सिंगल पोजिशन से वर्क करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब मेरा एक मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ज़्यादातर जो मैंने देखा है जो छोटे ट्रेडर होते हैं जिसके पास जिनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता, वो कॉल और पुट बाइंग या सेलिंग करके वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जब भी वो कोई पोजीशन बनाते हैं और बाय चांस उस पोजीशन का ट्रेंड चेंज हो गया उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का जिन्होंने उसमें पोजीशन बनाई थी और उनकी पोजीशन के अगेंस्ट में वो ट्रेंड चला गया, तो वो एक वेट करते हैं कि भाई अभी तो काफ़ी समय बचा है एक्सपायरी डेट आने में, कभी ना कभी तो ये ट्रेंड चेंज होगा और रेट आ जाएंगे। और जब वो देखते हैं धीरे धीरे करके उसमें कॉल और पुट में प्रीमियम कम होना शुरू होता है और धीरे धीरे करके वो गलना शुरू हो जाते हैं और पैसा खत्म हो जाता है। एक इंतज़ार करा और पूरा पैसा एक ही सिंगल ट्रेड में चला गया। उसके बजाय अगर यहाँ पर हम अगर सिंगल ऑप्शन में भी काम करना चाहते हैं या कॉल में करें या पुट में करें, तो उसको एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर हम करते हैं तो वो ज़्यादा सेफर तरीका होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम पिच पे खड़े रहेंगे रन अपने आप बनते जाएंगे, लेकिन अगर हम आउट हो गए तो एक रन भी बनना बहुत कठिन हो जाता है उसके बाद। पिच पे खड़े रहने से मेरा मतलब है जब तक हमारे पास कैपिटल रहेगा तब तक अर्निंग की एक संभावना रहेगी, बाय चांस हमने हमारा कैपिटल को खत्म कर दिया तो उसके बाद एक रुपए भी अर्निंग की संभावना हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में सिंगल साइड में वर्क करना चाहते हैं तो सबसे बेटर तरीका जो होता है, सबसे पहले हमें मार्केट, अगर हम इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडेक्स का ट्रेंड, या अगर हम किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो उस स्टॉक का ट्रेंड प्रिडिक्ट करना चाहिए। उसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए काफ़ी सारे टेक्निकल टूल अवेलेबल है। जो टूल भी हमें सूट करता है, जो टूल भी हमें पसंद है, ऐसा नहीं होता कि ये टूल मुझे पसंद है, उस टूल को मैंने प्रॉपरली चेक करा है। प्रॉपरली किस तरीके से मैंने चेक करा है कि भाई मैंने इसको चेक करा महीना, दो महीना, छः महीना, और जो इसकी एक्यूरेसी मेरी नज़र में निकल के आ रही है वो 50%, 60%, 70%, 80% आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर 10%, 15%, 20% आ रही है, मतलब वो टेक्निकल टूल अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऐसा टेक्निकल टूल सेलेक्ट करें जिससे हम यहाँ पर ट्रेंड प्रिडिक्ट करें इंडेक्स का या स्टॉक का। उसके बाद एज ए प्रोफेशनली कॉल या पुट में हम बाइंग शुरू करें। अगर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमने मान लो कोई कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया, लेकिन किसी भी समय वो टेक्निकल टूल अगर हमें बोलता है कि ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ किसी भी तरीके का वेट करने की ज़रूरत नहीं। मान लो अगर 100 रुपये पे मैंने कोई कॉल ऑप्शन ले लिया और वो नीचे आ गया, 100 से उसका रेट 90 हो गया, 90 पे हमारे इंडिकेशन बोलने लगे कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, तो 90 पे 10 रुपये का लॉस बुक करके बाहर निकलना कोई बेकार बात नहीं होती। और 90 पे हम बाहर निकल गए, अभी भी 90 रुपये की कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, 90 को हम 110 बना सकते हैं, बजाय वेट करें 90 ज़ीरो हो जाए तो 0 से 10 रुपये भी बनाना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो 90 पे आ गया, हमने देखा टेक्निकली उसका ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, अभी हम कॉल ऑप्शन में वर्क कर रहे थे, तेज़ी की संभावना ले रखी थी, लेकिन अब हमने पुट ऑप्शन परचेज कर लिया, अब मंदी की संभावना ले ली। अगर फिर ट्रेंड चेंज हो गया, फिर हमने हमारी पोजीशन चेंज कर ली, मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम हमारी पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं, ना कि किसी सिंगल ट्रेड में हमने हमारी पूरी कैपिटल खत्म कर ली। तो यहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम हमारी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और सिंगल कॉल या पुट ऑप्शन में वर्क करते रहते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था
कि ठीक है, हमने पहले उसकी एक्यूरेसी चेक कर ली कि भाई कितनी एक्यूरेसी आ रही है जिस टेक्निकल टूल को हम फॉलो करेंगे ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के लिए। सपोज आपने देखा कि भाई जिस टेक्निकल टूल को मैं फॉलो करूंगा उसकी 50% की एक्यूरेसी आ रही है, यानी अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला पॉइंट ये होगा कि भाई क्या प्रॉफिट लॉस रेशो में रखूं कि मैं कमा के निकल जाऊं। अब यहाँ पर सपोज आपने डिसाइड करा कि 1:2 का मैं प्रॉफिट और लॉस रेशियो रख के वर्क करता हूँ, कि भाई यहाँ पर अगर मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो मेरा टारगेट एटलीस्ट 20 रुपये का रखूंगा। तो 1:2 का अगर रेशियो रे के मैं वर्क करता हूँ तो 50% एक्यूरेसी भी अगर वो टेक्निकल टूल दे रहा है मुझे, तो भी मैं इजीली यहाँ से कमा के निकल जाऊंगा। नहीं तो क्या होता है, सिंगल कॉल या पुट लेते हैं, लेने के बाद हम वेट करते हैं। वेट इसलिए करते हैं कि अभी काफी समय बचा है, कभी ना कभी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एक बिना किसी लॉजिकल संभावना के हम वेट करते हैं। 10 में से 2 बार हो सकता है ऐसा हो भी जाए, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोफेशनली वर्क करना है तो जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में अगर हम चलेंगे तो काफी आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर उस हवा की दिशा के उल्टा अगर हमने चलना शुरू करा तो हम आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे और संभावना ये है और पीछे हम चले जाएं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन मार्केट में वर्क करना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिंग, तो ये एक बेटर तरीका होता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते रहें, लॉस भी बुक करें, प्रॉफिट भी बुक करें, और हमारा फॉर्मूला ऐसा बनाएं कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो। फिर भी अगर हम यहाँ पर हेजिंग से वर्क करते हैं, हेजिंग करने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में।